आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं उत्तर भारतीय विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर सभी उत्तर भारतीयों को एवं गुजरात के सभी प्रांतवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूँ। मकर संक्रांति यानी मकर राशि का सूर्य की राशि में प्रवेश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है। मकर का सूर्य के घर में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति है। संक्रांति का मतलब किसी के घर में प्रवेश करना। तो वर्षों से सदियों से मकर का सूर्य की राशि में जो प्रवेश होता है उसका एक बहुत ही सूक्ष्म आँख के पलकारे की तरह उसका प्रवेश का जो उत्सव हम लोग वर्षों से मनाते हैं उसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारे पूर्वज जिनको हम अनपढ़ कहते थे वो इस मकर संक्रांति के पर्व को उन्होंने भली भांति इसका उत्साहपूर्वक इसको मनाया है। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण का भी महिमा उतना ही होता है। उत्तरायण यानी उत्तर की तरफ जो पवन की गति हो जाती है उसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण में हम लोग पतंग के द्वारा अपनी इस खुशी को प्रकट करते हैं। मकर संक्रांति जो है ठंडियों की ऋतु में आती है, वैज्ञानिक ढंग से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि तिल और गुड़ खाने का जो महत्व है वो विज्ञान के ढंग से, मतलब जो सर्दी की इस ऋतु में हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है, रुक्ष हो जाती है, उसमें गुड़ और तिल का जो सेवन होता है हमारी त्वचा को चमकीली रखती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उस समय जब विज्ञान का कोई अता पता नहीं था तब भी वो वैज्ञानिक थे, उस ढंग से उन्होंने तिल और गुड़ का महत्व समझाया और पवन की गति को उसको मान सम्मान देने के लिए पतंग का जो ये पर्व होता है उत्तरायण उसका भी उन्होंने बहुत ही बखूबी इस उत्सव को मनाया है। मैं आज सभी गुजरात प्रांत के सभी उत्तर भारतीयों को एवं गुजरात प्रांत के सभी प्रांतवासियों को उत्तर भारतीय विकास मंच की तरफ से कोटि कोटि मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और ये अपील करता हूं कि पतंग के इस पावन पर्व पर आप दोरी पतंग लूटने में अपना समय न बिगाड़ें, दूसरों की जीव दया को खास ध्यान में रखें, अबोल पशु पक्षी आपके इस दोरी के शिकार न बन जाएं, उनका खास ध्यान रखिए। यही मैं आज के इस पर्व पर आपसे अपील करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।